subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. असरो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सगड़ मैं हाँ इम्तियाज मीर। मुल्क सियासी सूरत हाल एनपी धार थी चुकी आ पीडीएम का पीपल्स पार्टी जो मौकिफ अज यूसुफ रजा गीलानी साहब चो आए त नून लीग पान इस्तीफा नथी देण चाहे ए सजो जोर जेको आए पीपल्स पार्टी ते लगायो थो वने ए जेको शोकाज नोटिस एनपी पीपल्स पार्टी के दिना व्या उन ते एकडो बडो रिएक्शन दिनो आ बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चो आए त उन जो भरपूर जवाब दिनो वेंदो सीसी जी मीटिंग कॉल थी आए जिए त उन में लाहे अमल दिनो वेंदो इते गाले पर स्ट्रीम में दावरी मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब मैं एकेडमिक हैं एनालिस्ट हैं सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर माय प्लेजर। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान वजीर रह चुके हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सर मैं आपको तहां के वेलकम चाहूं था अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब वाली मेरे साथ तहां वाली मेहरबानी डॉक्टर साहब किए था दिसो सूरत हाल मुल्क के अंदर पीडीएम जेको आ है हाने पीडीएम के अंदर डार भी आन पीडीएम कमजोर भी आ है जिम्मेदारी जिए त एनपी चो आ ने जी नून लीग मौलाना फजल रहमान आ चा चंदो सर साहब जेके मा सियासत इंसान तो जेके सीनियर जेके आन जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मा जेके टीवी दिसा तो उही में त 100% जेके जिम्मेदारी उए जेके विजन था उआ मुस्लिम लीग नून ते विजन था नसूली तौर पर पे फैसलो कर कें ना कें तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धार वे एएमपी के धार वे उनकी एजेंडा है एजेंडा के मुताबिक उ सोचन पाया पर उन बावजूद असा हमेशा ये जे इतिहाद हमेशा थन्दा रहा इतने पॉलिटिक्स जी मुल्क की है उन में तमाम जरूरी इन अड़े किस्म जलायंस जो पीडीएम आर डी ए आर डी हुई या जो पा खबर आई जनरल जिया के खिलाफ जी अलायंस हुए उन्हीं में बिल्कुल ये रून पॉलिटिक्स जो खूबसूरती है पर बदकिस्मती से जी हाँ सूरत हाल है उसार तवे भी सामू है नून लीग जो तरीकेकार हले पी या जो करना चाहे थी जानी वाणी जो समझा तो पूरी मूवमेंट के खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया तह पा दिखो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जी 92-93-92 में लॉन्ग मार्च कई उन लॉन्ग मार्च में अस भी वनूं पा अस जैसे लाहौर के सोना पौता से तो उन टाइम से बीबीसी से खबर आई तो हाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तीफा दे तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद वन की जरूरत ना गाल स्ट्रेटजी थी तरीको हों पॉलिटिक्स जो पर बदकिस्मती से पा दिखो आ जड़े नमून से हिकमत अमली जी जे यू आई जी है नून लीग रही है सही न रही है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट थे अस हाँ भी मतलब असा के पान के पे परेशानी आ ये एडो वो अलायंस जो इनिशिएटिव बिलावल भुट्टे साहब वो हाँ जो उन्हीं चलो हाईजेक कर ये खड़ी जो हिसाब से जो भी उन्होंने सोच आ पर मैं समझा तो इन में जमहूरियत के तमाम वे पैमाने से नुकसान पहुंचो तो। आसिफ अली जरदारी साहब से गालू क्यों उन्हीं हर शे थे ही पैरों जो हदफ हो पंजाब हुकूमत ही उन्हीं हदफ हो नेशनल असेंबली तमाम वो कामयाबी थी पा तबर आते जो इलेक्शन बाय इलेक्शन वेहण के लिए तैयार ना जिमनी चूंडू तान दिखो तो उन्हीं में जिमनी चूंडन में सब जो अपोजिशन वाली पार्टी मिली कर खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के शिकस्त दिनी उन्हें पंजाब में भी शिकस्त दिनी सिंध में भी बुरी शिकस्त दिनी उन्हीं जी कॉन्स्टिट्युएंसी प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर वाली कॉन्स्टिट्युएंसी में भी यूसुफ रजा गीलानी कौमी असेंबली में पीटीआई की हुकूमत होंदे उन्होंने शिकस्त दी है बिलावल साहब जी गाल करे तो 100% सही है उन्हीं में जी कामयाबी दिठो या हिकमत में दिठो तो ये वो
जो है सियासतदान आसिफ अली जरदारी वही गेम करे तो वही भाव वरत तो बाबा खुदा ना खासा सुे असाने ला प्रॉब्लम थन पर गाल अस अज भी बिल्कुल मीर साहब एक गुजारिश क्या अस अज भी यो चाहूँ था पीडीएम कें न कें तरीके से हले असाज ला सही गाल ना है पर बदकिस्मती से जी सूरत हाल है उन्हीं में 100% यह जी है या सही जी जिम्मेवारी नून लीग की है जे यू आई जी इन हतल इम्कान इन कोशिश में आन तान ो शोकास नोटिस जी मान्या यह है तो पान दिखो तो एक पुरानी असूली पार्टी आ पार्टी इस्तीफा दे कर हली वही के खबर ही या जैसे शोकास नोटिस दींदा पे भी इन गाल थी मां रात होती जो बयान बुधा पो वो भी चे पो अस हर शय तय थी उन्होंने चयस वह ठीक है जो अस न अस सरबराई कर घुरा मीटिंग उन्हें पीडीएम की मीटिंग घुरा उन्हें वही कर डिस्कस कर बुधाइंदे दिसो पान इन पंजाब के अंदर तुम दिखो मीर साहब वही करा जे इन ये अनपोज कराया जे भी सेनेटर उन्होंने पा पीटीआई से उन्होंने पा जो ठाव किया पा खबर आ तो उनमें खैबर पख्तूनख्वा में उनमें बलोचिस्तान में अज भी जे पीडीएम में पार्टी वेठी उन्होंने पीटीआई से अलायंस में भी वेठियन उन्हीं तो कें भी इतराज न कर अस भी नयासे उनमें ढो सोचे समझी हलणो पवो इतहाद में सब पार्टियों हूं दह पार्टियों जो एतहाद है पीडीएम उन्हें सोची समझी कर अगे वो पवो बदकिस्मती से समझा तो तमाम वो नुकसान थो वो नुकसान जो भी कराया वो मुस्लिम लीग नून कराया अलह उनो भाव वरतो या ये समझों तो बबा सुे असते वेंदे मतलब पीपल्स पार्टी अगे हली वे उन्हीं कर नुकसान किया समझा तो जमहूरियत जो नुकसान है अज भी अस यो चाहूं था पीडीएम कायम रहे असो वन पॉइंट एजेंडा है ये नायल हुकुमरान उनके कें न कें तरीके से घर मोकिले ठीक है डॉक्टर साहब ब्रिस्टर साहब जिस तरह डॉक्टर साहब एक सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान है मिनिस्टर रह चुके हैं उनका मौकफ ये है कि ये इत्तेहाद चले नून लीग ने शोकाज नोटिस सर ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कुर्बानी है एनपी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है शोकाज नोटिस तो अपने बंदों को दिया जाता है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को शोकाज नोटिस दे दिया कि आपने जो है ना बाप से आपने सेनेटर से वोट क्यों ना उसको शोकाज नोटिस इजलास बुलाया जाता है उसमें पूछा जाता है मालूम किया जाता है शोकाज नोटिस दे दिया क्या कहेंगे सर मैं समझ नहीं आई शोकाज नोटिस की तो समझ नहीं आई क्योंकि देखें तमाम जितनी भी पार्टीज थी पीडीएम में वो तमाम इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं अपनी अपनी सोच रखती हैं तो एक पार्टी या पीडीएम की क्यादत जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं ले सकती बाकी पार्टियों के ऊपर ये बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी हैसियत है एएनपी की अपनी सियासी हैसियत है नून लीग की अपनी सियासी हैसियत है जेयूआईएफ की अपनी सियासी हैसियत है लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चंद माह पहले कहा था कि हमें डिक्टेट ना किया जाए हमें ना सिखाएं कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं तो ये जो टेंशन है ये जो रोप पुलिंग है ये आज से नहीं है मैं समझता हूँ ये काफ़ी टाइम से है अब आके वो बॉयल डाउन इस जगह पे हो गई है और मैं समझता हूँ कि जो शोकॉज नोटिस दिया है अब मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो तर्ज सियासत इस वक्त है वो है मार दो मर जाओ फाड़ दो फट जाओ तो उसके अंदर उन्होंने जज्बात में आके शोकॉज इशू कर दिया और फिर कल परसों मुझे याद है शाहिद खाकान बासी साहब कह रहे थे कि वजाहत मांगी है तो वजाहत भी नोटिस देके नहीं मांगी जाती ये तो आपस में बिल्कुल इजलास बुलाते उसके अंदर पूछते और अगर पीडीएम ये समझती है कि पीपल्स पार्टी ने कोई धोखाबाजी की है कोई गद्दारी की है पीडीएम की मूवमेंट के साथ तो उनको उठा के बाहर किया जा सकता था असल जो एतराज़ मेरा ख्याल है वो है शोकॉज पे क्योंकि सर शोकॉज कौन देता है शोकॉज वो देता है जो आपको सजा दे सकता है शोकॉज का मतलब ही ये होता है शोकॉज वजह बताओ कि तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन ना लें तो जाहिर है इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं ये चीज़ें उनको अच्छी तो नहीं लगेंगी कि उनको इस तरह से डिक्टेट कराया जाए और मैं समझता हूँ बड़ी जज्बात में आके बड़ी जल्दी गलती की है इन्होंने अलबत्त मैं ये भी समझता हूँ कि मुझे लगता है किसी हद तक मुफाहमत हो जाएगी उसकी एक वजह है उसकी वजह यह है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को पीडीएम की इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है नून लीग को इस वक्त ज़रूरत है कि उनके पास पीडीएम के अलावा और कोई बिसाखी नहीं है और कोई इदारा और इंस्टीट्यूशन उनके साथ नहीं खड़ा तो जाहिर है नो पार्टी कैन बी एन आइलैंड
तो उन्होंने पार्टीज के साथ मिलकर ही जदोजहद करनी है, कोई ना कोई सपोर्ट उनको पॉलिटिकल बेस में चाहिए होगी। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो उनके पांव, मैं बार बार कह रहा हूं और डॉक्टर साहब मुझे पता है मुझसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन उनके पांव दोनों कश्तियों में होते हैं। वो पीडीएम के साथ भी उसी तरह से चल रहे हैं और वो इदारों के साथ भी उसी तरह से चल रहे हैं और यही उनकी पॉलिटिक्स है, इसी से वो गेन कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम की कश्ती को वो छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे इस वजह से नहीं क्योंकि किसी भी वक्त ये एहतसाब का जो अमल है ये पलटी भी खा सकता है। अभी तो आसिफ अली जरदारी साहब अपने घर में अपने घर की कंफर्ट में बैठ के कह रहे होते हैं हमें सिखाए नहीं। डॉक्टर साहब रेस्पॉन्ड करें, डॉक्टर साहब इसके ऊपर कमेंट्स करें। डॉक्टर साहब चाहते हो तो बात बात ये है कि आप भाई सही फरमा रहे हैं, मकसद ये है कि ये भी देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से कैसे चले गए, मरियम साहबा जो है वो जेल में थी फूके से बाहर आ गई, हमजा साहब बाहर आ गए। बात यह है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इल्जाम नहीं दे सकते, उसमें तो अगर इस तरह की बात है तो हमने तो सारा आसिफ अली जरदारी जेल में गए, हमारी बहन बेबी फरियाल साहबा जेल में गई और उनको जो भी रिलीज मिला वो कोर्टों से मिला। इसमें ये कहना कि हम दो कश्तियों में हैं सवार, मेरे ख्याल में हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है थोड़ी डिफरेंस हो नून लीग से। और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात कही जो उन्होंने कही कि भाई मेरा जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल है सिंध का, और अगर हम थोड़ी बात कर देते हैं तो फिर हमारा रिएक्शन जो हमारे ऊपर आता है वो भी आपके सामने। हम तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं हो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, हमने भी फिर भी इस मुल्क को बचाने की बात की, मुल्क को जोड़ने की बात की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के लिए मशहूर हुआ कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। फिर उसके बाद आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमें पाकिस्तान खपे। तो हम तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हमारे आबो अजदाद और हमारे सिंध के जो सियासतदान हैं, हमारी सिंध असेंबली की हिस्ट्री हमारी तो बिल्कुल ये है। हम जो है ये इतनी बड़ी जो है जिस तरह ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, हम तो कम से कम जो है वो सिंध के सियासतदान इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब पढ़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो प्रेसिडेंट रहे। सर ब्रेक है, ब्रेक जो टाइम थिया वरी चौंदा सर ताने ब्रेक जो टाइम थिया ब्रेक खां पो मोहतरम जरा डॉक्टर सोराब खान सर की असना गडाइन सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमपीए मिनिस्टर रही चुका है, ब्रेक खां पो था चौं।